अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जिसे आलू गोभी की रेसिपी कहते हैं और बिल्कुल हलवाई के स्टाइल में बनाकर रेडी किया है। तो आइए देखते हैं इसके बनाने का तरीका। वीडियो पूरी देखिएगा और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम आधा किलो गोभी ले लेंगे और दो मीडियम आलू ले लेंगे और इसे छोटा छोटा टुकड़े में काट लेंगे। फिर हम एक कढ़ाई में पानी गर्म करेंगे और उसमें एक चम्मच नमक ऐड कर देंगे। फिर जब बॉयल आ जाएगा फिर हम इसमें आलू और गोभी दोनों ऐड कर लेंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए बॉइलिंग पानी में पका लेंगे और फिर इसे स्ट्रेन कर लेंगे छन्नी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर मेरी दूसरी रेसिपीज़ भी देखिए और इसे ट्राई करिए और आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब हम एक बर्तन में 3 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे और उसमें गोभी और आलू दोनों को फ्राई कर लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। इससे आपके गोभी का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और इसकी स्मेल भी चली जाएगी। इसमें आप आधा चम्मच हल्दी भी डाल सकते हैं इसको कलर देने के लिए, इससे ये बहुत अच्छा लगेगा लुक में। तो अब हमारा गोभी और आलू फ्राई हो चुका है, हमने इसको लाइट ब्राउन फ्राई कर लिया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी बर्तन में 2 चम्मच और तेल ऐड करेंगे और इसमें 2 तेज़पत्ते, छोटी सी दालचीनी, आधा चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे और इसमें 2 मीडियम प्याज छोटे छोटे काट कर डाल देंगे और फिर इसे हम फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब आइए हम यहाँ पर मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने ग्राइंडर में 2 चम्मच धनिया का ले लिया है और यहाँ पर 2 काली इलायची ले ली है और अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। अब हम इसमें 2 मिर्ची डालेंगे, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आता है सीक्रेट इंग्रेडिएंट हलवाई का, इसे कहते हैं चुकंदर। इससे आपकी वो गोभी का बहुत अच्छा कलर आएगा। इसे पेस्ट बना के हम इसे भी ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इस तरह का ब्राउन करना है। और फिर हम इसमें चुकंदर का जो पेस्ट बनाया था मसालों के साथ वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा पानी भी इसमें आप ग्राइंडर का जो है धुलकर चुकंदर वो इसमें आप ऐड कर लीजिए और फिर इसे थोड़ी देर तेल में फ्राई कर लीजिए। अब हम यहाँ पर 2 बड़े टमाटर दरदरा पीस कर ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक इसमें ऑयल ना सेपरेट हो जाए। अब यहाँ मसाले ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालिए, आपकी मर्ज़ी है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसमें 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, साथ ही में 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे और गरम मसाला भी डाल देंगे 1/2 चम्मच। 1 चम्मच कसूरी मेथी अपने हथेली से मलकर इसमें डाल दीजिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसे आप स्किप मत करिएगा, ये ज़रूर ऐड करिएगा। और फिर हम सारे मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक इसमें से ऑयल ना छोड़ दें। तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है और चुकंदर ऐड करने की वजह से इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है। और चुकंदर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप छोड़ सकते हैं। इसको डालने की वजह से आपके आलू गोभी में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा टेस्ट में। तो आप इसमें गोभी और आलू को डाल के हल्के हाथों से इसे अच्छी तरीके से भून लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारा आलू गोभी कितना अच्छा और मज़ेदार लग रहा है और इसमें जो मसाले हमने पीस के डाले थे उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। तो हमारा मसाला भून चुका है और अब इसमें हम 1 कप पानी ऐड कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा पतला चाहिए तो आप और पानी ऐड कर लीजिएगा, मुझे इसे गाढ़ा बनाना था पूरी के हिसाब से तो मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। और अब इसे ढककर हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे या जब तक आपका गोभी और आलू गल ना जाए तब तक आप इसे पका लीजिए। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच नमक ऐड कर लेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भून लीजिए और थोड़ी देर ढककर पका लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारा आलू गोभी बनकर रेडी हो गया है और ये कितना ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है,
ऐसा लग रहा है बस तुरंत ही खाना शुरू हो जाओ। और आप यकीन मानिए मेरा किचन पूरा महक गया था इसके मसाले की वजह से। तो आप बिल्कुल मेरी स्टाइल में बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए इसे सर्व करते हैं। देख सकते हैं चुकंदर डालने की वजह से इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। आप कलर भी डाल सकते हैं लेकिन वो हेल्दी नहीं होगा, लेकिन चुकंदर तो हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ था ये आलू गोभी की रेसिपी। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और इसे आप पूरी के साथ सर्व कीजिएगा। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बच्चों को भी ज़रूर पसंद आएगा। तो आप भी ट्राई करिए और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।